हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर एपीएल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन डी टेस्ट के बारे में। एलिजा में विटामिन डी टेस्ट में हम किस तरह करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा विटामिन डी टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे लगाते हैं। ये हमारे रेजेंट हैं जो कि पहले जो है इसका हमें रेजेंट तैयार करना रहता है सैंपल प्रिपरेशन के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, रेजेंट तैयार करेंगे। ये हमारी विटामिन डी की किट है, कैल बायोटेक कंपनी की है। इसमें जो है सैंपल प्रिपरेशन के लिए पहले जो हमारा ये बायोटिन रिलेटेड रेजेंट होता है, और ये हमारा डाइल्यूएंट एसे, ठीक है, एसे डाइल्यूएंट है। तो इसको क्या करते हैं, एक सैंपल लगाने के लिए 4 माइक्रोलीटर हम ये लेते हैं बायोटिन रेजेंट, और ये लेते हैं 200 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो मुझे अभी इस टाइम जो है 2 सैंपल लगाने हैं विटामिन डी के, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 सैंपल लगाने के लिए ये हमें लेना होगा 8 माइक्रोलीटर, और ये लेना होगा हमें 400 माइक्रोलीटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 माइक्रोलीटर निकाल लेते हैं। ये हमारा है बायोटिन, इसको जो है टेस्ट ट्यूब में 8 माइक्रोलीटर निकालना है। उसके बाद क्या करना है, 2 सैंपल के लिए ये हमें 400 माइक्रोलीटर लेना है, 1 सैंपल के लिए 200 माइक्रोलीटर और 2 सैंपल के लिए 400 माइक्रोलीटर। ऐसे इसका जो है रेशियो बढ़ता चला जाता है सैंपल के ऊपर। ये ले लिया हमने 400 माइक्रोलीटर, इसको जो है उसी बायोटिन रेजेंट में ऐड करना है। ये हमारा 2 सैंपल के लिए तैयार हो गया। अभी क्या करना है, एलाइजा प्लेट लेना है। इसमें जो है हमें जितने सैंपल लगाने रहते हैं उसमें जो है इसमें कप रखेंगे, ये इसके कप, इसको 2 ले लेंगे। अभी मुझे 2 लगाने हैं तो 2 कप ले लेंगे, और इसमें इसको लगाना है। इसमें 2 कप लगानी है। अभी क्या करना है, 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है। 2 सैंपल लगाना है तो दोनों में से 10 10 माइक्रोलीटर सैंपल ले लेंगे। ये हमारा सैंपल है पेशेंट का सीरम। इसको जो है पहले वाले कप में डालेंगे, फिर तो उसके बाद में दूसरे कप में दूसरे पेशेंट का सीरम ऐड करना है। दूसरे वाले कप में दूसरे पेशेंट का सीरम ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने ये रेजेंट प्रिपरेशन तैयार किया था, इसी में से जो है 200 माइक्रोलीटर एक कप में डालना है। 200 माइक्रोलीटर 2 सैंपल के लिए बनाया मैंने 400 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो मुझे इसमें से 200 माइक्रोलीटर एक कप में डालना है, 200 माइक्रोलीटर एक कप में डालना है, 400 माइक्रोलीटर हो जाएगा। तो ये टोटल जो है 408 माइक्रोलीटर है, 8 माइक्रोलीटर बायोटिन रेजेंट है, और 400 माइक्रोलीटर एसे डाइल्यूएंट है। इसमें से 200 माइक्रोलीटर लेना है एक सैंपल के लिए, ठीक है। पहले वाले डाल दिए, उसके बाद में डालना है 200 माइक्रोलीटर दूसरे वाले में डालना है, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। फिर क्या करना है, इसको हल्का सा मिक्स करना है धीरे धीरे, जो है 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। 1 घंटे तक इसको जो है रूम टेम्परेचर पर रखना है, साइड में रख देंगे। हाँ, तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद में इसको क्या करना है, इस प्लेट को वॉश करना है, ठीक है। वॉश इसको जो है हमें 3 टाइम वॉश करना है इस प्लेट को। तो इस प्लेट को मैंने जो है 3 टाइम वॉश करके रख लिया है, ठीक है। तो इसमें अभी एक और रेजिन मिलाना है,
अगर रियर गियर दूसरा रीजन में लाना है इस ट्रैक्टर विडिंग एच आर पी रीजन ये है इस ट्रैक्टर विडिंग एच आर पी कंजुकेट इसमें जो है 200-200 माइक्रोलीटर कंजुकेट ऐड करेंगे। ठीक है दोनों में 200-200 माइक्रोलीटर डाल दिया है। फिर इसको जो है हमें आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए इसको इंक्यूबेट करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। फिर इसको जो है 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। 30 मिनट के बाद इसको फिर से एक टाइम वॉश करना रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट में रखे थे। इसका इंक्यूबेशन टाइम जो है पूरा हो चुका है। इसको 30 मिनट्स के बाद जो है इसको फिर से 3 टाइम वॉश करना पड़ता है। ठीक है इसको 3 टाइम वॉश करने के बाद में इसको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद में इसमें हम EMB सब्सट्रेट ऐड करेंगे। टेट्रामिथाइल बेंजेडाइन सब्सट्रेट होता है जो इसको हम ऐड करेंगे। 200 माइक्रोलीटर जो है EMB सब्सट्रेट हम दोनों में 200-200 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे। दोनों में मैंने 200-200 माइक्रोलीटर EMB सब्सट्रेट ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद में हल्का सा मिक्स करके इसको जो है 10 मिनट के लिए फिर से रूम टेम्परेचर पर रखना है। आफ्टर 10 मिनट के बाद में इसको जो है मुझे रिलीव कराना है। हाँ तो फ्रेंड्स इसका जो है 10 मिनट का टाइम जो है पूरा हो गया है। 10 मिनट का टाइम पूरा होने के बाद में जो है इसमें हल्का सा ग्रीन ग्रीन कलर जो है जनरेट हुआ है। एकदम हल्का सा ग्रीन ठीक है। इसमें जो है अभी मुझे 50 माइक्रोलीटर जो है स्टॉप सोल्यूशन ऐड करना है। 50 माइक्रोलीटर स्टॉप सोल्यूशन ऐड करने के बाद में इसमें जो है एक येलो कलर का जो है कलर जनरेट होगा। येलो हो गया बोला ठीक है। ये जो है हल्का येलो कलर का हो गया हल्का येलो येलो दिख रहा है। अब जो है मुझे इस प्लेट को जो है रीड कराना है। जस्ट रीड कराना है हल्का सा मिक्स करने के बाद। ये हमारा एनर्जी रीडर है। इस पर जो है मुझे विटामिन D3 का टेस्ट जो है मुझे रीड करना है। ये देखिए मेरी प्लेट है। अभी क्या करना है मुझे इस पर विटामिन D3 टेस्ट जो है सिलेक्ट करना है। विटामिन D3 टेस्ट जो है सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे मुझे रन पे क्लिक करना है। ठीक है रन पे क्लिक करने के बाद में इस पर दे रहा है लोड कैलिब्रेटर। इस पर जो है कैलिब्रेटर एक बार लोड हो चुका है। ठीक है तो इसको हम क्या कर देंगे नो कर देंगे। नो करने के बाद में यहाँ पे देना है नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास कितने सैंपल हैं। अभी मुझे जो है 2 सैंपल रीड करना है। तो यहाँ पर 2 पे क्लिक करके इंटर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है यहाँ पे आ गए S1 और S2। ठीक है 2 सैंपल रीड कराना है। अभी मुझे रन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर जो है प्लेट लोड करना है। ठीक है रन पे क्लिक करने के बाद में ये आपका लोड करने वाला चैम्बर जो है खुल जाता है। ठीक है इसमें जो है मुझे प्लेट को अच्छे से फिक्स करना है। ठीक है फिक्स करने के बाद में यहाँ पे लिखा है इज प्लेट लोडेड। ठीक है तो यहाँ पर मुझे यस कर देना है। ठीक है यस करने के बाद में ये जो है आपकी प्लेट जो है रीड होने लगी है। ठीक है इसका प्रोसेस चलने लगा इस तरह। ये जो है आपकी प्लेट जो है रीड हो गई है। ठीक है प्लेट को रीड होने के बाद में यहाँ पे लिखा है इज प्लेट रिमूव। ठीक है यहाँ से मुझे इस प्लेट को पहले हटाना है। बस प्लेट को हटाने के बाद में यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है तो यहाँ पे मुझे यस करना होगा। यस करने के बाद में जो है ये अंदर चला गया। यहाँ पर जो है रीडिंग आ जाएगी। ये देखिए एक का है 45.82 सेकेंड वाले का है 63.48। ठीक है ये हमारा जो है रीडिंग आया हुआ है। ठीक रहना क्लियर। यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे जो है रीडिंग को सेव कर लेना है। ठीक है सेव रिजल्ट ये हमारा सेव हो गया है। फिर नीचे क्या करना है इस पर एक्सेप्ट टेस्ट पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट हो गया। यहाँ से हम जो है इस प्लेट का जो मैंने टेस्ट लगाया उसका जो है ग्राफ देख सकते हैं। ये इसका ग्राफ आया हुआ है। ऐसा ही ग्राफ होना चाहिए। ठीक है फिर आपको प्रिंट भी कर सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है चलिए बैटरी पर ऐड करते हैं। ठीक है यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी सब हो गया है।